हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 1110 यूट्यूब चैनल। 1110 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग अपने पार्टनर को इन तीन जगहों पर किस करते हैं उनका पार्टनर उन्हें कभी भूल नहीं पाता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको कभी भुला ना पाए, वो आपको हमेशा याद रखे, तो आप अपने पार्टनर को इन तीन जगहों पर किस कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर को इन तीन जगहों पर किस किया करिए। ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको लाइक्स देते रहिए। यह वीडियो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी होगी, इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। तो पहला पॉइंट है, जिस जगह पर आप अपने पार्टनर को किस कर सकते हैं वो है पार्टनर की गर्दन पर किस करें। आप अपने पार्टनर की गर्दन पर किस कर सकते हो। ये गर्दन वाला जो एरिया होता है बहुत ही संवेदनशील एरिया होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको कभी भुला ना पाए, वो आपको हमेशा याद रखे, तो आप अपने पार्टनर की गर्दन पर किस करें। पहले आप उनकी गर्दन पर उंगली को फिराएं, फिर धीरे धीरे उनकी गर्दन के आसपास धीरे से सांस लें और सांस लेते ही वो अट्रैक्ट होने लगेंगे, एकदम उत्तेजित होने लगेंगे। और जब आप उनकी गर्दन पर किस करेंगे तो वे एकदम आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। आप यहाँ पर इस तरह से आप इमेज में देख रहे होंगे, इस तरह से इमेज के द्वारा आप देख करके उनको किस कर सकते हैं। आप उनकी गर्दन पर उंगली को पहले फिराएंगे, फिर धीरे धीरे उनकी गर्दन के आसपास आप सांस लेंगे। आप सांस भी लेंगे तब भी वो एकदम सहम से जाएंगे। तो आप अपने पार्टनर को कुछ इस तरह से किस करें अलग अंदाज में, जिससे कि वो आपको हमेशा याद रखें। तो ये पहला पॉइंट था। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरी जगह है जहाँ पे आप अपने पार्टनर को किस कर सकते हैं, वो है पार्टनर के माथे पर किस करें। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको हमेशा मिस करता रहे, वो आपको हमेशा याद रखे, तो आप अपने पार्टनर के माथे पर किस किया करिए। आप बाहर को जाते हैं या ऑफिस को जाते हैं तो आप अपने पार्टनर के माथे पर किस करें, उसके बाद बाहर को निकलें। इससे वो आपको दिन भर मिस करता रहेगा। आप उनके माथे पर किस करके बाहर को निकलेंगे, ऑफिस को जाएंगे, तो वो आपको दिन भर मिस करेंगे और शाम को आपका वेट भी करते रहेंगे, क्योंकि इससे आप ये जाहिर करते हो उनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे आप ये दिखाते हो कि आप उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको अहमियत देते हो। तो आप उनको माथे पर किस किया करिए। आप इमेज में भी देख रहे होंगे, इस तरह से आप अपने पार्टनर को माथे पर किस कर सकते हैं, इस तरह से आप इमेज के द्वारा देख सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको किस किया करिए, बहुत ही अच्छा होता है रिलेशनशिप के लिए, बहुत ही आपकी जो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग होती है बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप में कोई भी दरार नहीं आएगी। तो आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना रहे, तो आप अपने पार्टनर को कभी कभी माथे पर किस किया करिए। तो दूसरा पॉइंट था। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है, जिस जगह पर आप अपने पार्टनर को किस कर सकते हैं वो है कान के नीचे किस करना। आप अपने पार्टनर को कान के नीचे भी किस कर सकते हैं। ये एरिया भी बहुत ही संवेदनशील एरिया होता है। आपने देखा होगा जब भी किसी के कान में कुछ कहते हैं तो वो बंदा एकदम सहम सा जाता है। तो आप जब अपने पार्टनर के कान में कुछ कहेंगे, उनके कान के आसपास आप सांस भी लेंगे, तो वो एकदम सहम सा जाएंगे। और जब आप उनके कान के नीचे किस करेंगे तो वो एकदम उत्तेजित होने लगेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, उत्तेजित हों, वो आपकी सेक्सुअल लाइफ में आए, तो आप उनको धीरे धीरे पहले गर्दन पर उंगली फिराएं, फिर गर्दन पर किस करें, उसके बाद आप उनके कान के नीचे किस कर सकते हैं। तो इस तरह से वो आपकी तरफ उत्तेजित होने लगेंगे और वो आपको हमेशा याद भी रखेंगे। आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे, इस तरह से आप अपने पार्टनर को किस कर सकते हैं कान के नीचे। तो आप जब इस तरह से कुछ किस करेंगे अलग अंदाज में तो वो हमेशा आपको याद रखेंगे। और जब भी आप कुछ बाहर जाते हैं, अपने पार्टनर से दूर जाते हैं, तो उनके माथे पर किस करके बाहर को जाएं, जिससे कि वो आपको हमेशा मिस करते रहेंगे, दिन भर आपका वेट भी करेंगे और आपको मिस करेंगे। इससे आप ये दिखाते हो कि आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो और आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और धीरे धीरे आप जब कान के नीचे किस करेंगे उसके बाद आप उनके गालों को भी किस कर सकते हो, उसके बाद आप लिप टू लिप भी किस कर सकते हो। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। एंड में भी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। एंड में भी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर
सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कॉल फॉर मी ऐप के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।